आत्ताच तर कुठे शूटिंग सुरू झाली आणि तुमच्या अडचणी झाल्या सांगायला. तुम्हीच सांगा, किती वेळ सांगू मी तुम्हाला. हा तसं नाही काय. कोण? माय नेम इज जेसी डॅनियल. हा बोलिये. आय हॅव रिटन अ लेटर टू मिस्टर फाल्के अँड आय गॉट अ रिप्लाय फ्रॉम हिम. कॅन आय मीट मिस्टर फाल्के? हा अंदर आइए. Yes, I am Phalke. It's a great privilege to meet you, sir. The pioneer of Indian cinema. Baitho. Come sit. Thank you, sir. I am J.C. Daniel. I come from Travancore, the southern part of India. Okay. How can I help you? Sir, I want to make a motion picture. How much do you know about motion pictures? Not much, sir. But for the past 2 years, I have only been dreaming about cinema. I have gone through books, articles. I really want to know more about this art, sir. It's not easy, Mr. Daniel. I understand, sir. But can you help me? Sorry, Mr. Daniel. Right now, I am busy with my shooting. Okay. You can contact me some other time. Sir, if it's not too much trouble, can I see your shooting? Usually, we don't allow anybody to enter the shooting place. But you have come a long way. Come. Thank you, sir. अशी उडत उडत आली पाहिजे आणि इथे हे बघ त्याच्या मांडीच्या जवळ अशी इथे थम 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 आणि हे बघ हे अशी नेमकी इथे येऊन बसली पाहिजे. हा चल तू झोप, चल झोप ना खाली. बरं मान काय डोलतो, झोप की. सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष देऊन करा. ओके हा हे चल हे क्लॅप चल 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 लवकर लवकर. हा हा चल सुरू क्लॅप आउट ऍक्शन. हा आण जवळ आण आणि फिरो फिरो. हे बघ त्याच्या मांडीच्या जवळ अशी इथे हा ठेव ठेव ठेव. शाबास. हा आणि तू बघ आता. हा ठेव ठेव परत ठेव तिथे. शाबास. हा काट इट. करता हूँ साहब. माँ. हाँ आ गया. ये है फिल्म. सेल्यूलॉइड कहते हैं साहब लोग इसे. ओह
तो इसका मतलब मुझे जो आपने कैपिटल सिनेमा में ले जाके फिल्म दिखाई थी वो सारी की सारी फिल्में भी क्या ऐसे ही बनती हैं डैनियल? ये है सिनेमा की टेक्निक। लुमियर ब्रदर्स ने पहली बार जब पेरिस में ऐसे फिल्म दिखाई थी तो ट्रेन आने के शॉट में लोगों को लगा कि सच में सामने ट्रेन आ रही है और वो उठकर भागने लगे थे। ये सिनेमा तो अद्भुत है और इसे यहाँ के लोगों को दिखाना जरूरी है और ये काम मैं करके ही रहूंगा। पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको ठीक से सब कुछ पता तो है ना? अरे बाबा मैं सब कुछ जानता हूँ। यूरोप और अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट हुए 30 साल हो चुके हैं। 15 साल पहले मुंबई में धुंडी राजा गोविंदा नाम की फिल्म फाल्के जी ने बनाई और मद्रास में नटराज मुदलियार तमिल में फिल्म बना रहे हैं, लेकिन हमारे त्रावणकोर और कोचीन में कोई भी फिल्म बनाने के बारे में सोच ही नहीं रहा है। इसलिए ये काम तुम्हारा जेसी डैनियल करेगा। तुम देखती रहो, मलयालम भाषा में दुनिया में सबसे पहली फिल्म बनाने वाला तुम्हारा डैनियल होगा। जीसस का आशीर्वाद है। लेकिन इसमें पैसे तो बहुत खर्च होंगे ना? पैसे तो खर्च होंगे क्योंकि कैमरा और बाकी आइटम्स खरीदने पड़ेंगे, स्टूडियो बनाना पड़ेगा, कैमरामैन और साथ साथ कलाकारों की जरूरत पड़ेगी। सब मिलाकर लाख रुपए तो लगी जाएंगे। इसका मतलब हमें आकाश की तरफ देखते हुए नीचे लेटना होगा। शायद आकाश से पैसों की बारिश हो जाए। नैया त्रंगिरी में अगस्तीश्वरन नारियल का बगीचा है ना, उसे बेचकर मैं पैसे इकट्ठा कर लूंगा। उसमें तो आपने अपना हिस्सा बेच ही दिया है, अब माँ नहीं मानने वाली। भूलो मत कि वो आपको दहेज में मिला है, आपके भाई भी बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखो चाहे कोई माने या ना माने, मैं उसे बेच कर ही रहूंगा। कोई नहीं तो तुम तो मानोगी। देखो ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। दुनिया में कितने लोग सपने देखते हैं लेकिन सबके सपने थोड़ी पूरे होते हैं। प्रभु ऐसा ही चाहते हैं और ये प्रभु की इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी ही पड़ेगी। परमपिता परमेश्वर की हर एक इच्छा मानवों को पूरी करनी ही पड़ती है और अतः ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें इन सब चीजों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्या सच है क्या झूठ है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें इन सब चीजों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्या सच है मैं तुम्हें बताता हूँ। आज सुबह मुर्गे के बोलने से पहले तुम्हें मुझे 3 बार जगाना होगा। नहीं प्रभु, कभी भी नहीं होगा। इसमें भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए पर मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा प्रभु। लेकिन तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ये नाटक चर्च के लिए हो रहा है और मैं इसमें मोसेस बना हूं। डैनियल इतने दिनों बाद मिलने आया। मैं थोड़े दिन तक सर्किट में रहा। ये हैं सुंदर राजन, बहुत अच्छे इंसान हैं और शहर में बहुत मशहूर डॉक्टर हैं और इनके पास खुद की 3-4 दुकानें हैं। मेरा नाम जॉन है। इसके पहले हम कभी मिले हैं क्या? जाने पहचाने लग रहे हो। पिछले साल सड़क पे आप मेरी दुकान के सामने नाटक कर रहे थे। आप लोगों ने अपना सामान मेरी दुकान में रखा था। मैंने आपको याद दिलाया था कि सामान भूल मत जाना, याद आया? तभी मुझे लगा ही था। अच्छा क्या हुआ डैनियल, कोई खास बात है क्या? अपनी रिहर्सल खत्म करके आ जाओ, जॉनी सर से मुझे जरा जरूरी काम है। जीसस के ऊपर फिल्म बनाना चाहते हो? पता है इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च होगा। हमसे हो सकता है क्या? अरे हमसे क्या नहीं हो सकता। मैं बॉम्बे और मद्रास में जाकर सब कुछ सीख कर आया हूँ पता है। फिर भी ये नाटक की तरह आसान तो नहीं होगा। कैमरा को हम में से किसी ने भी फेस नहीं किया। तू इसमें क्या कहता है? शुरू में मैंने भी इसे बहुत समझाने की कोशिश की भाई, फिर डैनियल ने मुझसे एक बात पूछी, जब हिंदी और तमिल वाले फिल्म बना सकते हैं तो हमसे क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है जॉनसन, जब तुम दोनों मेरे साथ हो तो सब कुछ हो सकता है। जो करना है अच्छे से सोच ले, ये बड़े पैसों का खेल है, नाटक की तरह सोचेगा तो बर्बाद हो जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा स्वभाव तो जानते हो ना, मेरी पत्नी जैनेट के नाम पर 100 एकड़ की नारियल की खेती है और भी बहुत सारे पेड़ हैं जिनसे काफी मुनाफा होता है। अगर ब्रिटिश रूल के हिसाब से वो सारी जमीन उन्हें बेची जाए तो बहुत से पैसे इकट्ठा हो सकते हैं और जब पैसे आएंगे तो ये डैनियल फिल्म शुरू कर सकता है। त्रावणकोर में पहली मलयालम फिल्म शुरू होगी। आइए मालिक, त्रावणकोर से कोई आपसे मिलने आया है। कौन है? मैं नहीं जानता, एक बार चल के आप खुद ही बात कर लीजिए। पैसे के लिए आया तो उसे बोल दो मैं अभी नहीं मिल सकता। नहीं मालिक, वो तो आपसे प्रोडक्शन के बारे में कुछ बात करना चाहता है। अरे ये क्या प्रोडक्शन चल रहा है, है? नमस्ते सर। अच्छा परिमल, कट कट, तुम इन गधों को कहां से पकड़ के लाए? कुछ नहीं आता। नमस्ते सर। आओ डायरेक्टर, इसमें कौन कृष्ण और कौन सुदामा है पता चल रहा है? कपड़े पहनाने से पहले एक बार देखना तो था ना, एक्टिंग करते समय मुझे देखकर नमस्कार करता है, कहीं ऐसा होता है क्या? टेक वन मोर टेक। लो मालिक, उसको क्या कहना है?
उसे यहाँ बुलाओ। ठीक है मालिक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है ठीक है। आई एम जेसी डैनियल। आई हैड कम हियर बिफोर फ्यू मंथ्स अगो टू मीट यू बट आई कुडंट। तुम्हें हिंदी तो आती है ना? यस। तो अपनी भाषा में बात करो। कुछ दिन पहले मैं आपसे मिलने के लिए आया था सर, लेकिन मिल नहीं पाया। मुद्दे पर आओ। मैं त्रावणकोर से आ रहा हूँ सर। सिनेमा बहुत पसंद करता हूँ, एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, बजट कितना होगा, ये जानकारी आपसे लेनी थी इसलिए। पैसा है तुम्हारे पास? बहुत पैसे लगेंगे। यस सर, आई हैव इनफ मनी। भाई साहब, सिनेमा बनाना कोई सब्जी की दुकान जैसा नहीं है। जो तुम्हें आता है वो काम करो। इसके बारे में कुछ जानते हो? वो सब मैं धीरे धीरे। ठीक है परिमल, इन्हें मैनेजर से मिलवा दो और इन्हें क्या क्या जानकारी चाहिए सब बता दो। ठीक है। थैंक यू सर। सर कैन आई आल्सो टॉक टू सिनेमाटोग्राफर विलियम डेरिक? अब गोरे से बात करोगे तो क्या अपनी भाषा में बात करोगे? अच्छा दोपहर में खाना खाते समय बात कर लेना। ओके सर। कम ऑन हैव सम। थैंक यू। Here and in Bombay, we use debris cameras. In Hollywood, they have introduced advanced version of these debris, but it's not available here. So, where can I get a camera from? Oh, you can get it directly from London, or may go to Calcutta. There is my colleague, Mr. Samuel John, who has a photography shop, and he can help you to get the camera and the accessories as well. Oh, and I have a request. Could you wheel the camera for my film? Oh, sorry. I'm going back to London after finishing this film. Mr. Samuel John will help you find some other cinematographer. Is it okay? All right. Thank you, sir. सुना है डैनियल सर आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, सही है क्या? बिल्कुल, इसीलिए तो मूर्ति भाई को असिस्ट कर रहा हूँ। मैं ऑपरेटर हूँ, सिर्फ गोल गोल घुमा सकता हूँ। मैं टेक्निकली और इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा शुरू कब कर रहे हैं? कैमरा और फिल्म रील तो बुक कर दी है। अच्छा वो आते ही शुरू कर देंगे। सच में कुछ अलग तरह की फिल्म बनाई है डैनियल सर। बॉम्बे वाले और मद्रास वाले तो राम और हनुमान को छोड़ते ही नहीं है सर। हाँ सही कहा, पुराणों की कहानी नहीं बनाएंगे, अपनी एक अच्छी कहानी बनाएंगे, जैसे कोई एक सोशल ड्रामा। बॉम्बे में पहली बार मैंने एक कर्निश थिएटर में फिल्म देखी थी। ओहो। और वही फिल्म यहाँ आकर भी मैंने वापस देखी। हाँ। बार बार वही फिल्म देखने के बाद भी बोर नहीं लगता। हाँ, अच्छा अच्छा। इनका नाम है चार्ली चैपलिन। हाँ। अमेरिका में प्रेसिडेंट की जितनी इज्जत होती है चैपलिन की भी उतनी ही है। अच्छा। बहुत से लोग पसंद करते हैं उन्हें। ये है फिल्म बनाने वाली मशीन। अरे यार इस पेटी के अंदर क्या है बताना। अरे अरे इसे खोलना नहीं, नहीं तो धूप लग जाएगी। फिल्म बनाते वक्त कैमरे में इसे पहले लोड कर देंगे, जैसे फोटो खींचते वक्त करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा हम शुरू कब करने वाले हैं? उससे पहले बहुत सारे काम करने हैं सुंदर। देखो हमें पहले तो स्क्रीन स्टोरी बनानी है। फोटो प्ले के बारे में इस किताब में लिखा है, यहाँ से हम सिनेरियो बना सकते हैं। ये बॉम्बे वाले और मद्रास वाले हमेशा रामायण महाभारत बनाते रहेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। पहले तो हम हमारे लठमार खेल के बारे में लोगों को बताएंगे। मलबार की कलरी फाइट विदेशों तक प्रसिद्ध है, वैसे ही हमारे गांव का भी इतिहास है, और वो इतिहास सारे लोगों को पता होना चाहिए। वो हम अपनी फिल्म में दिखाएंगे। एक बार फिल्म बन जाएगी तो सबको पसंद भी आएगी। लेकिन पहली फिल्म हम लोग वो नहीं बनाएंगे। पर ऐसा क्यों? कोई तो सोशल ड्रामा बनाते हैं। क्या मतलब?
चार्ली चैपलिन की फिल्म देखी है ना? हाँ। वैसी वाली कोई फिल्म। हाँ, ये अच्छा ख्याल है डैनियल, वो मुझे भी पसंद है, आप यही बनाइए। वो तो गोरे लोगों की कहानी है यार, यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आएगी। हमें तो अपनी बाइबल से एक अच्छी स्टोरी उठानी चाहिए, देखते ही देखते हमारी फिल्म सभी को पसंद आ जाएगी। अरे वो तो गोरों की कहानी हो गई जॉनसन, हम यहाँ की कहानी बनाएंगे, मलयाली नायर लेडी। अभी फाल्के जी और मुदलियार जी की तरह हमें भी एक स्टूडियो बनाना पड़ेगा। अगर बिल्डिंग खरीदने जाएंगे तो काफी पैसे लगेंगे, उसमें भाड़े पे ले लेंगे। हाँ याद आया, एक पुरानी बिल्डिंग खाली पड़ी है, पिछले साल वो नाटक वाले आए थे ना, वो मद्रास वाली नाटक कंपनी, उन्होंने इसे भाड़े पे लिया था अपने थिएटर के लिए, शारदा विलास, वो ले सकते हैं। तो हमारे नाटक की तरह इसमें भी कलाकार चाहिए होंगे ना? हाँ हाँ चाहिए। हाँ तो इसमें मैं भी काम करूंगा, ठीक है? अरे सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी एक्टिंग करूंगा। हाँ? सच में? हाँ। मेरा प्यारा बेटा भी। जरा तुम भी देखो। हाँ? देखो ना। अरे ये कैसे, ये तो इसमें उल्टा दिख रहा है। जरा इसमें देखता हूँ कुछ लिखा है क्या। डैनियल अब अपनी फिल्म को कोई नाम देना चाहिए। हाँ बिल्कुल देना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है गुमशुदा बच्चे पर। द लॉस्ट चाइल्ड नाम रखेंगे, कैसा रहेगा? ये तो इंग्लिश नाम है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा होनी चाहिए, यहाँ का नाम रखो यार। तो फिर गुमशुदा बच्चा। गुमशुदा बच्चा, ये क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरा इंग्लिश वाला ही अच्छा था। वही तो, लॉस्ट चाइल्ड ठीक रहेगा। हाँ ना, हम लोगों को वैसे भी बाहर की चीज ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, तो अपना बच्चा ही बनेगा तो लॉस्ट चाइल्ड। अरे ये तो एक जगह पे खड़ा ही नहीं रहता, ये कैसे करेगा डैनियल? कोई भी छोटा बच्चा हो तो मस्ती तो करेगा ही, कोई बात नहीं हम संभाल लेंगे। ये बड़ा होके बनेगा चंद्र कुमार, तो उसकी एक्टिंग कौन करेगा? वो तो डैनियल करेगा। नहीं नहीं, मैं इसमें जय चंद्रन की एक्टिंग कर रहा हूँ, जो चंद्र कुमार का साथी रहेगा। पहले जॉनसन करने वाले थे ना चंद्र कुमार? ए, उसके लिए हम कोई दूसरा कलाकार ढूंढ लेंगे, और ये होगा फिल्म में बच्चा चुराने वाला विलन, मतलब भूतनाथ। हाँ, मुझे तो चलेगा, बाइबल में वैसे भी मैं तो ये सब चरित्र निभाते रहता हूँ, विलन ही ठीक है। तो फिर नायिका सरोजनी? सरोजनी जल्दी एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी। आ, ये तो जैनेट कर सकती है। हाँ। अरे रे, मैं एक्टिंग? नहीं नहीं, पूरा गांव मिलके मुझे मार देगा। ये होता है कंफ्यूजन, सिनेमा तो वैसे बहुत दूर की बात है, लड़कियां प्ले में काम करने से भी मना कर देती हैं। ये बात तो सही है, हमारे परिवार में से कोई लड़की तैयार नहीं होगी, हमें तो इसके लिए बाहर से कोई लड़की बुलानी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र फिल्म में एक्टिंग कराने के लिए कहते हैं फाल्के साहब लड़कियां ढूंढने वेश्या घरों तक चले गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई लड़की नहीं मिली। अच्छा, आखिर में आदमी को ही उन्हें लड़की बनाना पड़ा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, सरोजिनी के लिए एक लड़की को तो ढूंढना ही होगा। हाँ। तो फिर अब आप क्या करोगे? बॉम्बे में अभी हालात बदल चुके हैं, उस दिन मैं फाल्के जी के स्टूडियो में गया था तो वहाँ एक लड़की एक्टिंग कर रही थी, वहाँ के पेपर में हम ऐड देंगे तो कैसा रहेगा? हाँ। उस दिन बॉम्बे में मेरा नाथुराम जी के साथ परिचय हुआ था, सुना था कि वो एक्टर और एक्ट्रेस का प्रबंध अच्छे से करते हैं। हाँ। उनका पता भी है मेरे पास, जल्द ही मैं उन्हें एक चिट्ठी लिख देता हूँ। किसी भी तरह एक एक्ट्रेस का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मिस लारा बहुत अच्छी अभिनेत्री है, हिंदी में 3 पिक्चर किया, मद्रास में 2 पिक्चर, पहले ही पिक्चर में द्रौपदी का रोल, उसके बाद दमयंती, शकुंतला और फाल्के की नई पिक्चर में उर्मिला है। आइए आइए आइए। माता जी, उसकी माँ एंग्लो इंडियन है, बाप पारसी, वो गुजर गया। हाँ। माता जी। हुँ? नमस्ते माता जी। नमस्ते। मैंने बोला था ना मलयाली फिल्म वाला। अंदर आइए। लाना बेटी इधर आओ। आई माँ। ये है मेरी बेटी लाना। हेलो। हाय। ये आदमी ट्रैम कोर का एक फिल्म प्रोड्यूसर है। हाँ। इनके भाषा में पहली फिल्म बनाने के लिए एक अभिनेत्री को ढूंढ रहे थे। ये आपसे एक्टिंग करवाना चाहते हैं। What is my role? रोल सरोजिनी, that's the name of the character. Is she a princess or a goddess? Princess? No, no. She's a Malayali Nair lady. What? Nair lady? Yes, an ordinary Nair lady. Ordinary lady? I will act as a princess or a goddess. This is not a mythological story like Ramayana or Mahabharata. This is a social drama. क्या सोशल ड्रामा? हाँ। I'm sorry, I'm not interested. नाथुराम जी, मैं समझाता हूँ। माता जी आप अंदर आइए, आइए आइए आइए। क्या है? देखिए
वे कितनी दूर से आए हैं, मैंने उनको कितना समझा कर लाया हूँ। क्या स्टोरी है ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। अरे कर दीजिए ना, अरे मेरी बात सुनिए। ठीक है, हाँ बोल दीजिए। ये डिमांड कर रही है, ज्यादा पैसा मांग रही है, पैसा बढ़ाएंगे तो आएगी। इन्होंने कबूल किया है लेकिन एक दिन का 100 ब्रिटिश रुपए देने पड़ेंगे। 100? हाँ, एक दिन का इतना बड़ा चार्ज, ये तो बहुत ज्यादा है। आई रियली कांट अफोर्ड इट। नहीं तो ये नहीं आएंगी। अभी क्या करें यार, इतने पैसे तो हम नहीं दे सकते। यहाँ पर और कोई एक्ट्रेस नहीं मिलेगी क्या? बहुत मुश्किल है सर, पूरे बॉम्बे में 3-4 लोग ही ऐसे हैं, लेकिन वो लोग तो इससे भी ज्यादा मांगेंगे। 50 रुपए के हिसाब से मना लेंगे, चाहो तो मैं 10 दिन के पैसे एक साथ दे दूंगा। मैं एक बार बात करके देखता हूँ। हाँ। नाथुराम जी, एक मिनट। हाँ। आप भी जरा आइए। हाँ, आइए आइए। 100 तो बहुत ज्यादा है, आप 50 में हाँ कर दीजिए। हाँ, ना चलो ठीक है, 50 के हिसाब से 500 एक साथ मिल जाएगा। हाँ ओके ओके, 500 में मान गई है। लेकिन यहाँ से त्रिवेंद्रम और त्रिवेंद्रम से तुम्हारे यहाँ जाने में 4 दिन लगेंगे, उसके भी पैसे एडवांस मिलेगी, और इसे वहाँ जाने के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट चाहिए। फर्स्ट क्लास? जीसस, वो पैसे भी तो बहुत ज्यादा है। थर्ड क्लास में बोलिए ना काम चलाने के लिए। फर्स्ट क्लास के लिए बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, इनसे वो नहीं जमेगा। तो हम नहीं आएंगे। ये पहली बार पिक्चर बना रहे हैं। तो हम क्या करें, हम नहीं आएंगे। अब ये लोग मना कर रहे हैं सर। रॉयल फैमिली ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं, गांधी जी भी तो थर्ड क्लास में ही यात्रा करते हैं। क्या बोला? गांधी जी भी थर्ड क्लास में यात्रा करते हैं। सो व्हाट, वो एक्टर नहीं है, मेरी बेटी अभिनेत्री है, समझा? I will give you second class tickets. No, if you want me to act in your film, you must get us first class tickets. Yes. मुझे यकीन था कि मेरा भेजा हुआ टेलीग्राम तुम्हें मिला होगा। हाँ, मिला मिला। ओह, अब कम गेट इन। ये अपनी भाषा जानती है? ये दोनों भाषाएं जानते हैं। मैम प्लीज। Sorry, I'm an actress. I cannot travel by horse cart. What do you mean? In Bombay, we usually travel by motor car. Huh? You know? Motor car? Huh? Motor car? But Miss Lara, I don't have a motor car. Then you arrange one. Jesus Christ, motor cars are very rare in Travancore. Then I'm sorry, we are leaving. Are you joking? I'm not joking, Mr. Daniel. If you don't arrange a motor car, we'll go by the next train. तुम सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ। अब अगली कोयला ट्रेन नेक्स्ट मंडे को आएगी, तब तक इन लोगों को यही रुकना पड़ेगा। अहंकार की एक हद होती है, पहले ज्यादा पैसे देकर इसे यहाँ पर लाया हूँ, और अब फर्स्ट क्लास डिब्बे में आने के बाद इन्हें मोटर कार में बैठना है। कहाँ से मिलेगी मोटर कार? राजमहल में और डीमा में एक दो जगह दिखती है, पूरे त्रिवेंद्रम में 3-4 ही कारें हैं। यू सी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ मोटर कार हियर, यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सॉरी मिस्टर डैनियल, नाउ यू इंसल्टिंग मी। अगर ऐसे ही सबके नखरे उठाने पड़ेंगे तो समझ ले बन गए अपनी फिल्म। अरे अब क्या कहें, अच्छी एक्ट्रेसेस मिलती भी तो नहीं है। अरे तुम्हारे मामा मैथ्यू के पास एक कार है ना? है तो, लेकिन उसमें सिर्फ मेरा मामा बैठता है, अगर इसके लिए मांगूंगा तो पक्का मना कर देगा। ये तो नाहर लोगों का घर नहीं लग रहा है। क्या बात कर रहे हो, तुमको दिख नहीं रहा है क्या? जैसा डैनियल सर बोल के गए थे, हम वैसा ही घर एकदम बना रहे हैं। हाँ चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, डैनियल के आते ही हम शूटिंग शुरू कर देंगे। भाई ने बताया था कि आज सुबह ही कोयला ट्रेन आ जाएगी। हाँ 12 बज गए हैं, डैनियल तो अब तक नहीं पहुँचा। अच्छा अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए कपड़े खरीद कर लाई हूँ, लड़की के आते ही उसका नाप ले लेना। बॉम्बे से आ रही है बेचारी, पता नहीं उसके पास क्या क्या होगा। वासु भाई, कैमरामैन और बाकी लोगों को आपने खाना तो खिला दिया ना? विलप्पन सबको चाय की दुकान पर लेके गया है, वही सबको खिला कर लाएगा। ओके। क्या हुआ, कोयला ट्रेन को आने में देर हो गई क्या? कोयला ट्रेन तो सही वक्त पर आ गई। अच्छा 3 बजे तक हम रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे, सुंदर इनके लिए मोटर कार लेने गया था। मोटर कार? इनसे मिलिए, यह है बॉम्बे की महारानी, हमारी नायिका। हेलो, ये क्या हो रहा है डैनियल, अभी तक गाड़ी में बैठी है? ये लोग गाड़ी में मुंह लटका के क्यों बैठे हैं, आखिर चल क्या रहा है डैनियल? प्लीज गेट डाउन। व्हाट्स हैपनिंग हियर? दिस इज माय स्टूडियो, यू विल बी स्टेइंग हियर। जैनेट, अंदर इनका सारा इंतजाम हो गया ना? हाँ, जॉनसन ने बेड और सारा सामान पहले ला के रख दिया है। मिस्टर डैनियल, वेरी सॉरी, वी कैन नॉट स्टे हियर। व्हाई? शी इज एन एक्ट्रेस,
How can she stay in the studio? इसे वापस जाने को बोलो, अगर कुछ पसंद नहीं आता तो. You please come and see the room. No, no, we will not stay here. But what is wrong here? We saw a beautiful palace on the way. We would like to stay there. What? A palace? Yes, it looks amazing. Get us a room there. हाँ. रास्ते में इन लोगों ने राजमहल देखा था. ये वहीं रुकने की बात कर रही हैं. अच्छा, तो ये सारी कहानी है. राजकुमारी को सोने के लिए राजा महाराजा के महल की जरूरत है. इसके नखरे देख के पता नहीं आगे क्या क्या मांगेगी. मिस लारा, that is the Maharaja's palace. We can't even go in there. Find us some other palaces. We heard that there are so many palaces in Travancore. बॉम्बे में तो एक पुरानी बिल्डिंग में रहते हैं ये दोनों माँ बेटी, लेकिन यहाँ आने के बाद पैलेस ढूंढ रहे हैं. जॉनसन, अब क्या करें? एक कान के नीचे खींच के देना यार, तेरे को देख के गुस्सा नहीं आ रहा क्या? गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना. ये कैसी घमंडी लड़की है, देख के तो नहीं लगता कि सरोजनी के रोल के लिए फिट बैठेगी. Hey, Mr. Daniel, what is this? We've been waiting for a long time. Wow, घोड़ा गाड़ी में बैठने के बजाय इसने 3 घंटे रेलवे स्टेशन पे इंतजार किया. अगर ये हमारी फिल्म की हीरोइन बनी तो हम सबको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा. ये जहाँ से आई है वहीं भेज दे डैनियल, यही अपने लिए अच्छा होगा. ये बिल्कुल सही कह रहा है, इससे अच्छी लड़कियाँ हमारे गाँव में मिल जाएंगी. हाँ. मैं जाके उसे ढूंढ के लाऊंगा. नायक हो सुकुमार नायक. अरे नायक हूँ, नायक हूँ. अरे लेकिन नायक का नायक हूँ. अरे दोनों खींचोगी तो नायक किस तरफ रहेगा? अरे नायक की जान छोड़ो, नायक की जान छोड़ो. मैं हूँ कुमारी, तुम योग्यवर हो, तुमसा यहाँ कोई नहीं है. मैं हूँ कुमारी. मैं इसी की बात कर रहा था रौसम्मा. ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, वो ये सब नाटक करते हैं क्या? हम लोग भी तो धर्म बदल के क्रिश्चियन बने हैं ना यार. इस लड़की का बाप LMS स्कूल के मिशनरी साहब के बंगले पे कुक का काम करता है. LMS स्कूल के जेवियर भाई ने मुझे बताया था कि इनकी बेटी काका रथी नाटक करेगी, तुम जाके उसकी एक्टिंग देख लेना. क्या हुआ प्राणनाथ? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तो तुमने मुझे बुलाया नहीं? नहीं, मैंने कब बुलाया? तो मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं नहीं, मैंने कब बोला? ये लड़की तो सुंदर है और स्मार्ट भी, और एक्टिंग भी अच्छी कर रही है. नायक हो सुकुमार नायक हो. हमारी लड़की तो नायर है ना सरोजनी, ये चलेगी उसके लिए? एक्टिंग में जात धर्म थोड़ी देखना चाहिए, बस अपना कैरेक्टर प्ले करे और क्या चाहिए. जॉन जरा इससे बात कर लो. पिछले 2 बार के नाटक में रोसम्मा 3 जगह पर डायलॉग भूल गई थी, लेकिन इस बार भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ. तुम क्या कहते हो पॉल? हाँ, हमेशा नाटक के स्टेज पे जाने से पहले गुरुजी कहते हैं ना, भगवान को प्रणाम करो. अभी तो हमारे भगवान जीसस हो गए हैं, तो मैं भगवान को कैसे प्रणाम करूँ? इसीलिए मैंने जीसस की प्रार्थना की. मैंने प्रार्थना की कि हे ईशु, कुछ गलत ना हो. देखा, ईशु ने मेरी बात सुन ली और भगवान और ईशु ने मिलके मुझे बचा लिया. बेटी, ऊपर वाला सबके लिए एक है, बस इंसान अलग अलग मार्गों में ढूंढता है. तुझे कितना मना करती हूँ कि नाटक करने मत जाओ, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? आखिर घर आने का टाइम देख, सारे गांव के लोग तेरे बारे में ऐसी वैसी बातें करते हैं. तेरे बाप को कहां कोई फर्क पड़ता है? आज सेठ जी पूछने आए थे काम पर आएगी कि नहीं. अगर आज भी काम पे नहीं गए तो खाना क्या खाएंगे? अरे बाल, इस जॉनसन को जानते हो? ये भी नाटक वाला है. तुम्हारे साहब के चर्च में तुमने इसे जरूर देखा होगा. अच्छा, सच में? नान बाग योग या यशुदास एक साथ करता है. आइए आइए आइए. आज काम नहीं है क्या? साहब बाहर गए. हाँ, ये और इसका साथी कल काका रथी देखे. इसका साथी अब एक सिनेमा बनाना चाहता है. उसमें एक्टिंग के लिए एक लड़की की आवश्यकता है. तुम्हारी लड़की एक्टिंग करेगी क्या, पूछ रहा है. हे भगवान, सिनेमा में? हमने तो कभी कोई सिनेमा देखा ही नहीं, तो काम कैसे करेगी? अगर काका रथी में काम नहीं करती तो आज हमारा चूल्हा बंद नहीं होता. एक लड़की चुपचाप काम कर रही थी, आके ले गए उसे नाचने गवाने. अगर अब सिनेमा में काम करेगी तो क्या गांव वाले हमें जीने देंगे? अभी जो लोग कह रहे हैं बाद में वही लोग तारीफ करेंगे. फिल्म में काम करना काका रथी की तरह नहीं है, नाम और रोशन होगा और बहुत पैसा भी मिलेगा. सही कह रहा है, ये रोसम्मा के लिए अच्छा मौका है. लपक लो.
देखना तुम्हारी बेटी रोशम्मा अपने साथ साथ तुम दोनों का भी भाग्य बदल देगी, याद रखना। आपका कहना सही है गुरुजी, लेकिन हमारे कुल की लड़कियाँ। तू भी पागल हो गया है क्या पॉल? ये भूमि क्या सिर्फ नायर और पंडितों के लिए ही है? हमें जीने का हक नहीं है क्या? मैं तुझसे जानना चाहता हूँ, ये भूमि सबके लिए एक जैसी ही है ना, तो हमारे लिए अलग कैसे हो गई? अब मैं उसी से ही पूछूंगा। रोशम्मा, हम क्या बात कर रहे हैं तुमने सुन लिया ना? सुन लिया। तुम्हारे मन में क्या है वो भी बता दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है मतलब ना तो नहीं ना? सुन ना, तूने कभी फिल्म देखी है क्या? त्योहार के टाइम पे एक फिल्म देखी थी, 3 पैसे में जमीन पर बिठा के और 7 पैसे में कुर्सी पर बिठाकर फिल्म दिखाते हैं। भगवान की कहानी होती है, अच्छी होती है। साहब लोग ही फिल्म लाइन में काम करते हैं, फिर हम भी फिल्म में काम कर सकते हैं क्या? हमारी जात वाली को फिल्म में काम कौन देगा? तू फिल्म में काम कर सकती है, तुझे काम देंगे। पता नहीं कैसे फिल्म बनाते हैं, मैं रात भर इसी के बारे में सोच रही थी। काका ऋषि में जैसी एक्टिंग की वैसी ही होनी चाहिए, है ना? सिनेमा में काम करने वाले लोगों को देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं। जैसे महारानी लोग आती है तो उनके लिए रास्ता छोड़ दिया जाता है ना, वैसे तेरे लिए भी रास्ता छोड़ दिया जाएगा। तेरा भाग बहुत अच्छा है रोशम्मा, मैं तेरी सहेली हूँ, मुझे बहुत खुशी है। ये हमारी भाषा में पहली बार कोई फिल्म बन रही है, उसमें हीरोइन बनेगी ये रोशम्मा। फिल्म की हीरोइन बनने के लिए बहुत सुंदर होना चाहिए ना? माला, मैं भी सुंदर हूँ क्या? ये क्या हुआ है, क्या चल रहा है, दिल को ना कुछ सूझे। सुंदर हूँ कमल कुंडल, इंद्रधनुष सी सुंदर अखियां, बरखा सी सुंदर मीठी बतियां, झुमका पहन बिंदिया लगा, चहकूंगी मैं कोयल जैसी, पर दिल यकीन न करे। मेरे साथ, हाँ मेरे साथ क्या हो रहा?
चांद से सुंदर या सुंदर हूँ कमल कुंडल इंद्रधनुष से सुंदर अखियां बरखा से सुंदर मीठी बतिया झुमका पहन चहकूंगी मैं कोयल जैसी पर दिल यकीन न करे। देखो हम लोग यहाँ पर फिल्म बनाएंगे, मैंने बताया था ना डैनियल के बारे में, वही इस फिल्म में पैसे खर्च कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डैनियल ही हैं। मैं कब से बोले जा रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? अभी तो हम गोरों की फिल्म देखते हैं, यह फिल्म हमारी भाषा में बनेगी। नीचे उतरो, तुम यहीं रुको, मैं डैनियल को बुला के लाता हूँ। अरे पिल्ली क्या बात है, कैमरे के सामने कभी चेहरा नहीं बनाया तो पता नहीं है, पर कथकली के बारे में जानता हूँ। ये कथकली नहीं है पिल्ले, सबको चेहरा साफ दिखना चाहिए। रौसम आ गई डैनियल। आओ ना अंदर। अरे आओ ना, देखो सिनेमा में ऊंच नीच देखी नहीं जाती। Mr. Daniel, the film is loaded. You ready? All right, Mr. Lala. She's our actress, Rosama. ये है हमारे कैमरामैन, ये है कैमरा, इससे ही फिल्म बनाते हैं। आया समझ में? रोसम्मा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शुरू शुरू में सब लोग रोसम्मा की तरह ही थे, क्यों सही है ना पिल्ले? How is she? A black girl? Would she be suitable for your character? Does she look like an upper caste girl? Well, at least in cinema, we should not be thinking of caste and color, Mr. Lala. I will join you shortly. आओ ना, रोसम्मा यहाँ आकर बैठो। डरने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठ जाओ। ये मेरी पत्नी है, जैनेट। अरे बैठो ना। बैठ जाओ रोसम्मा। काकरजी नाटक में पार्वती का रोल किया था ना तुमने रोसम्मा? हाँ। नाटक की तरह सिनेमा में एक साथ शूट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, रुक रुक कर अच्छे अच्छे सीन शूट किए जाते हैं, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ। देखो भाई, तुम अभी इस वक्त क्या बता रहे थे मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कौन से डायलॉग पर कौन से भाव लाने हैं मुझे। पिल्ले को भले ही समझ में ना आया हो लेकिन रोसम्मा अच्छे से समझ गई है ना रोसम्मा? एक दिन में एक दो सीन शूट करेंगे तो 10-12 दिन में हमारी फिल्म पूरी हो जाएगी। रोसम्मा तुम्हें टाइम का पता भी नहीं चलेगा। हर रोज 5 रुपया पगार मिलेगा। तुम्हारी एक्टिंग डैनियल को पसंद आई है, हो सकेगा तो और भी पैसे बढ़ा देंगे। रोसम्मा इस कहानी में एक नायर लड़की है, नाम सरोजिनी। सरोजिनी का एक भाई होता है। कहानी की शुरुआत में ये बच्चे होते हैं। कोलंबो में बगीचे में सुपरवाइजर का काम करने वाले भूतनाथ के आदमी की अचानक गांव में खेलते हुए तुम्हारे भाई के पैरों पर नजर पड़ जाती है। तब वो बच्चा लगभग 5 साल का होता है और दुष्ट भूतनाथ बच्चे को उठाकर सीधे कोलंबो ले जाता है। ये हमारा जॉनसन ही भूतनाथ बनेगा। कोलंबो में ले जाकर भूतनाथ बेचारे बच्चे को बहुत तकलीफ देता है, बगीचे में जबरन काम करवाता है। जैसे तैसे वक्त बीतता जाता है। अब कहानी में उसकी बहन सरोजिनी एक जवान लड़की बन चुकी है और यहीं से फिल्म में तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। गांव का कोई एक लड़का सरोजिनी से शादी करने के लिए पीछे पड़ जाता है। वो लड़का बनेगा ये पिल्ले। उसी वक्त पड़ोस में जयचंद्रन नाम का आदमी रहने आता है। जयचंद्रन और सरोजिनी बार बार मिलते हैं और उसी वक्त उन दोनों में प्यार भी हो जाता है। जयचंद्र का कैरेक्टर प्ले करेंगे ये डैनियल। बिल्कुल। और तभी काम के सिलसिले में जयचंद्रन इंग्लैंड जाने का फैसला कर लेता है। कोलंबो से इंग्लैंड जाना होता है उसको। उसी वक्त भूतनाथ और उसके साथी जयचंद्रन को लूट लेते हैं। यात्रा में रुकावट आने की वजह से हमारे हीरो का चंद्र कुमार से पहली बार परिचय होता है। अब चंद्र कुमार जवान हो चुका है। एक दिन क्या होता है, भूतनाथ से जैसे तैसे बचकर चंद्र कुमार जयचंद्रन के साथ गांव में वापस आता है। पीछे पीछे भूतनाथ भी आता है। इसी बीच इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। चंद्र कुमार को लेकर जयचंद्रन सरोजिनी के घर के पास रहने लगता है। सरोजिनी चंद्र कुमार को देखती है,
नहाते वक्त चंद्र कुमार के पीठ पर जो तिल होता है वो अचानक सरोजिनी को दिख जाता है, तो वो समझ जाती है कि चंद्र कुमार तो उसी का खोया हुआ भाई है। जयचंद्रन सरोजिनी से शादी कर लेता है और इसी तरह फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। रोसम्मा, तुम्हें कहानी पसंद तो आई ना? आज हम पूरा कॉन्सेंट्रेशन रोसम्मा पर करेंगे। सबसे पहले हमें रोसम्मा की वेशभूषा बदलनी पड़ेगी। रोसम्मा ने जो कपड़े पहने हैं ये सरोजनी के रोल के लिए फिट नहीं है, मैं बदलवाती हूँ। चलो ये लो आपके कपड़े, नाप बराबर है ना? देख लो, इन टेलर भाई ने अपने अंदाज से सिला है। इसे पहनना तो जानती हो ना रोसम्मा? सब लोग पहनती है, पहनते देखा है। ये लो गले और कान के जेवर, तुम्हें इन्हें भी पहनना होगा। अरे नहीं नहीं, एक बार मैंने पहन ली मेम साहब, आप कैसे पहनेंगी? मैं नीच जात की हूँ ना। उसकी चिंता मत करो, अभी तुम रोसम्मा नहीं सरोजनी हो। सरोजनी एक पैसे वाले नायर की बेटी है। ठीक है। अब इसने बाल ठीक से बना लिए, माथे पे टीका लगा लिया है, अब बिल्कुल सरोजनी लग रही है, क्यों है ना भास्कर भाई? बिल्कुल। तो फिर शुरू कर दीजिए। आइए बैठ जाइए, यहाँ बैठो रोसम्मा। अरे मैं यहाँ खड़ी ही ठीक हूँ। अरे बैठ जाओ बेटी। अभी रोसम्मा सरोजिनी लगने लगी है। तो अब हम शुरू करें। तो ये है सरोजिनी का घर, ये आगे का हिस्सा है। रोसम्मा को अभी हाथ में दीपक लेकर अंदर से बाहर आना है और यहाँ पर आकर रुक जाना है और यहाँ दीपक रख देना है, और तभी जयचंद्रन यहाँ से आएगा यानी कि मैं, और मुझे देखकर रोसम्मा अपने दिमाग में ये सोचती है कि आखिर कौन है ये आदमी। रोसम्मा तुम्हें समझ में आ रहा है ना? एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश है तो इसे रात कैसे दिखाएंगे? सिनेमा के अंदर रात दिन एक जैसा होता है पिल्ले, सूर्य के प्रकाश में भी शूट कर सकते हैं। पता है पता है। सो शैल वी स्टार्ट मिस्टर लाला? यस प्लीज। रोसम्मा आओ। रिफ्लेक्टर। तो देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं, दरवाजे के पास खड़ी हो जाओ और वहीं से तुम्हें आना है। सेल्वर राजा, वो दीपक रोसम्मा के हाथ में दे दो, जाओ ना। काका ऋषि के शुरू होने से पहले दादी ने कहा था भगवान की प्रार्थना करना, लेकिन मैं तो सिर्फ जीसस की प्रार्थना ही कर पाती हूँ। पर ये तो फिल्म है ना, फिल्म में कैसे प्रार्थना करते हैं मुझे नहीं पता, आप भी कुछ बताइए ना। रोसम्मा को जैसे प्रार्थना करना आता है वैसे ही करो। क्या हुआ? प्रार्थना कैसे करूँ पूछ रही है। रोसम्मा तो अब हम शुरू करें। देखो जब मैं एक्शन बोलूंगा तो तुम्हें वहां से आना है, क्या कहूंगा तो एक्शन, समझ गई ना? हाँ। तो अब आओ। प्रार्थना हो गई तुम्हारी, अब ये दीपक ले जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाओ। You to come here, take forward. जाओ ना। ये लो। रेडी? यस। क्लैप। भला ये क्या नाटक चल रहा है? बाकी सब तो तुरंत समझ जाता है, ये नहीं जानता हर फिल्म की शुरुआत ऐसे ही होती है। जानता हूँ जानता हूँ। स्टार्ट। स्पीक। एक्शन। आ जाओ एक्शन।
How was it, Mr. Lala? Fine. Rosamma, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की. अरे रोसम्मा कहाँ है? उसे नहीं बुलाया खाने के लिए? अरे मैं अभी देकर आती हूँ. भास्कर भाई, रोसम्मा कहाँ है? वो क्या वहां बैठी है. रोसम्मा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर आके खाओ ना. अरे मैं अंदर कैसे खा सकती हूँ? बासी चावल खा रही हो, अंदर ताजा बना है ना. नहीं, मुझे यही चलेगा. रोसम्मा, ये क्या कर रही हो तुम? वो सब छोड़ दो, कपड़े खराब हो जाएंगे. चलो उठो. देखो अभी तुम पुरानी रोसम्मा नहीं रही, हमारे फिल्म की नायिका हो. रोसम्मा देखो, अभी ये फिल्म खत्म होने से पहले रोसम्मा रोसम्मा नहीं है, नीची जात वाली नहीं, बस नायर की बेटी है, ये बात भूलना मत. क्यों, सही कह रहा हूँ ना? अब रोसम्मा हमारी कम्युनिटी की हो गई. हाँ. अब हमें इसका अच्छा सा नाम रखना चाहिए. ये रोसम्मा का नाम क्यों ना हम बदल कर कुछ और रख दें? सुंदर के जीजा की पत्नी का नाम तो रोजी है ना. हाँ है तो. What is this? Not now. रोसम्मा का नाम हम रोजी रख देते हैं, पुकारने में अच्छा लगेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा. रोजी क्यों, सही है ना रोसम्मा? क्या अभिप्राय है जॉनसन? सही है, कुल मिला के रोसम्मा रोजी कहलाएगी. तो चलो हम शुरू करें. तो सरोजिनी अपने घर के सामने खड़ी है, उस वक्त विश्वमोहन वहां आ जाता है और सरोजिनी से शादी करने के लिए वो पीछे पड़ जाता है. लेकिन सरोजिनी उसे पसंद नहीं करती. विश्वमोहन जब उससे आकर बात करता है तो रोसम्मा को गुस्सा होना चाहिए. रोसम्मा नहीं, रोजी. रोजी, रोजी. ये देखकर जयचंद्रन वहां पर आ जाएगा. जयचंद्रन आए तो विश्वमोहन उसे पसंद नहीं करता और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगी. यहाँ तक आया समझ में? बस इतना ही भाग आज हम लेने वाले हैं. हमारा पिल्ले ही है विश्वमोहन. अब पिल्ले कहाँ पर है? यहाँ पर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोने में दुबक के खड़ा होगा वो. वहाँ पे तो किसको हवा दे रहा है? इधर आ पिल्ले, एक्टिंग करनी है ना. हाँ, बिल्कुल. तो देखो मैं जो बता रहा हूँ, सरोजिनी को जब तुम देखोगे तो श्रृंगार भाव से हंसना है. यहाँ पर श्रृंगार भाव कैसे दिखाते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन कथकली में कैसे दिखाते हैं वो पता है. त्रिवेश मुख पे लाया जाता है, ऐसे देखो. तो अभी यहाँ पर त्रिवेश तो नहीं है ना पिल्ले? विश्वमोहन भाई तो मर्द है ना. हाँ बिल्कुल, मर्द ही है. पुरुष की तरह ही एक्टिंग करनी है ना. बस. करना कब है ये बताओ? कैमरा स्टार्ट होने के समय, मैं जब एक्शन कहूंगा तभी ही. हाँ पर मुझे देखना किस तरफ होगा? सरोजिनी की तरफ देखकर तुम्हें उससे बातचीत करनी है. इससे बात करनी होगी? इससे क्या बात करनी होगी? अब सरोजिनी से मिलने की खुशी में तुम्हारा अपने आप पर काबू नहीं रहा, इसी तरह की कोई बातचीत करनी है. अब जब फिल्म चलती है ना तो कोई आवाज सुनाई नहीं देती. ये नाटक की तरह नहीं है, फिल्म में कोई आवाज नहीं है. हम बस ऐसे एक्टिंग करेंगे कि हम दोनों में कोई संभाषण हो रहा है. अब अमेरिका में तो आवाज वाली फिल्म बनाई गई है ऐसा कहते तो हैं, लेकिन हमारे देश में अब तक नहीं. वो सब तो मैं समझ गया, लेकिन संभाषण के वक्त कैसी मुद्रा रहेगी? मुद्रा बताना भी तो जरूरी है ना, कथकली में तो मुझे पता है. पिल्ले तुम एक्टिंग करने आए हो या कथकली करने आए हो? पता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए ना. अच्छा एक बात बताओ, वो वहाँ पर खड़ी रहेगी और मैं यहाँ से ऐसे श्रृंगार भाव दिखाऊंगा, है ना? वहाँ जाकर करना है बस. अच्छा ठीक है, ठीक है. रोसम्मा तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, सबने पसंद किया. सुंदर भाई फीस दे रहे हैं, जाके ले लो. अच्छा रोजी, तुम लाइन में मत खड़ी रहो, आ जाओ. Thank you.
बेटा। See, Mr. Daniel, it's perfect. The girl looks good. मैं सड़क पे मच्छी बेच रही थी ना, तब इसने आके पूछा, एक यहाँ पे फिल्म बन रही है, तू चलेगी क्या? वहाँ चलेगी तो वहाँ बैठना भी है और पैसा भी मिलेगा। क्या है चाची, कैसे नायक के जैसे बैठी हो? पता है इस साड़ी में तुम जच रही हो। तू कैसे बात कर रही है, तेरा पति मर गया है क्या? वो भी मच्छी पकड़ने के लिए गया है। अगर उसे पता चल गया ना कि तू यहाँ बैठ के एक्टिंग कर रही है, तो मैं बोल रही हूँ कि मच्छी के जगह तुझे काट के फेंक देगा। हाँ, तुझे पता नहीं है क्या कि हम जैसे लोगों को अपने पति को हर एक बात बतानी पड़ती है? ये मर्जात होती है ऐसी है। तू तो अपने बाप को बता के आई है ना, तू मेरी बेटी जैसी है, तू भी एक्टिंग करेगी ना? हाँ, तो तू क्या कर रही है? इसकी सहेली बनी हूँ। ये माँ बेटी तो जरा भी नहीं जम रहे जॉनसन, थोड़ा सा अजीब। अब मैं क्या करूँ यार, पूरा गांव ढूंढ मारा तब जाके ये दोनों राजी हुए। अब अगर तुझे पसंद नहीं आ रहा है तो इन्हें सरोजिनी की सहेली बना दे। रोजी आ जाओ, आप भी आइए ना। आप क्या करना है? अच्छा, इससे पहले तुमने वीणा देखी है? नहीं। सरोजिनी घर में बैठकर वीणा बजाती रहती है और तभी माँ और सहेली आकर वो सुन लेती हैं, तभी जयचंद्र भी वहाँ आ जाता है। फिलहाल तो हम इतना भाग शूट करेंगे। अच्छा, रोजी आओ। अरे यहाँ नहीं थूका जाता। तू चुप करना, तुम लोग यहाँ आकर बैठ जाओ। हाँ, आ जा। और तुम नीचे बैठ जाओ। ये वीणा कैसे बजाते हैं जरा रोजी को सिखाओ। द सीन स्टार्ट्स विद थ्री ऑफ देम ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ द हाउस। वंस यू स्टार्ट रोलिंग देन आई विल वॉक। सुनो, ये तूने नीची जात वाली लड़की को वीणा बजाने के लिए क्यों बिठा दिया? ये ऊंची जात वालों का काम है, वो बजाएगी तो कितना गंदा लगेगा। ये तो हमारा काम होना चाहिए, ये तो हमारी संस्कृति का अपमान है। सुनो पिल्ले, नीची जात को ऊंची जात बनाना मैं अच्छे से जानता हूँ, और ऊंची जात वाले को नीची जात में लाना भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसा क्या? बिल्कुल पिल्ले, वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। रेडी, एक्शन। वहां पर देखो, एक्शन, वीणा बजाओ। कट कट कट, ये आप क्या कर रही हैं? मैं वीणा बजाना नहीं जानती, लेकिन डैनियल सर ने जैसा कहा मैंने कर दिया। बस उंगलियां इधर उधर करनी थी। तुम तो बड़ी नसीब वाली हो, एक नायर का कैरेक्टर करने का चांस तो मिला। सच है, अपनी खुद की साड़ी और जेवर डैनियल सर की पत्नी ने मुझे खुद दिया। इस जन्म में हमारे ऐसे कपड़े पहनने के तो योग ही नहीं है। तू जानती है क्या, डैनियल सर हर बार एक ही बात बोलते थे मुझे एक्टिंग करने से पहले, एक्शन। उससे पहले तो कुछ कर नहीं सकते, यही कठिन है। धीरे धीरे सीख जाऊंगी। कब दिखाने वाले इसे? ये अभी मुझे पता नहीं। मेरा भाग खत्म होने के बाद वो कोलंबो जाएंगे शूट करने के लिए। उसके बाद डैनियल सर हुजूर कचहरी में इस फिल्म को रिलीज करेंगे कह रहे थे। क्या कर रहे रे सुअर अंदर, बाहर निकल। बिटिया को खेत में काम करने के लिए बुलाया तो बोला बुखार है, उसे भेजा नहीं, कहा काम नहीं कर पाएगी, हमको पागल समझता है क्या? और सिनेमा में काम करने के लिए बराबर भेज दिया। वहाँ नीच जात के लोग नहीं जाते, ये नहीं पता है क्या? काम पर भेजने के लिए नानी मरती है और सिनेमा में भेज दिया नाचने के लिए। अबे कैसा बाप है तू? काली चरण, तू अपने सर पे तेल क्यों नहीं रखता? अब मेरा नाम काली चरण नहीं है, पोलस हो गया है। ओ पोलस, क्रिश्चियन लोग को बढ़ावा देने के लिए ये क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का गाँव है? नहीं है ना, ये मेरे गाँव की मिट्टी है। देख, मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तू अपनी बेटी को सिनेमा में जाने से रोक दे, वरना जूते मारते मारते तुझे इस गांव से मैं बाहर फेंकवा दूंगा। हाँ। चल तांगा चला। रोजी का पोर्शन खत्म होने के बाद शरद विलास की शूटिंग खत्म हो जाएगी, बहुत सारा खर्चा होगा, आर्टिस्ट का पर डे, चीजें, जहाज में आने जाने का खर्च, इन सब के लिए बहुत पैसे लगेंगे। यहाँ नहीं कर सकते, कोलंबो जाना जरूरी है। hey, अब कहानी में तो वो कोलंबो लेकर गया था ना बच्चे को, तो हमें भी वहीं जाना पड़ेगा। हाँ तो पैसा? अगस्ती में जो हमारा बचा हुआ नारियल का बगीचा है ना, उसे भी बेच देंगे, और त्रिवेंद्रम में कुछ परिचय के लोग हैं जिनसे पैसों की बातचीत हो चुकी है। ट्रैवेंगोर नेशनल पिक्चर्स लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो उससे भी हम शेयर ले लेंगे ना।
वो भी तो रास्ता है हमारे पास। हमने इतना पैसा उधार लिया है, उसे वापस कैसे करेंगे? अरे पिक्चर देखने के लिए लोग तो आएंगे ही ना। तुम्हें लगता है सचमुच में लोग आके देखेंगे? अरे यहाँ पर सिर्फ कैपिटल सिटी में ही नहीं, नागरकोइल, नागापल्लम, प्रसवपुरम, इन सब में भी तो सिनेमा हॉल है। और तो और मद्रास और मदुराई में भी तो हम फिल्म दिखाएंगे। हाँ जैनेट, फाल्के फिल्म बनाकर बहुत बड़े आदमी बने हैं। मद्रास में नटराज मुदली आ रहे, तुम देख लेना, यहाँ ट्रावनकोर में वो स्थान जेसी डैनियल लेगा। अब हम चंद्र कुमार से जयचंद्रन और सरोजिनी का पोर्शन लेंगे। सरोजिनी चंद्र कुमार को देखती है। चंद्र कुमार की पीठ पर जो काला सा तिल है वो सरोजिनी अचानक से देख लेती है, और चंद्र कुमार ही उसका खोया हुआ भाई है ये वो पहचान लेती है। कट। तो आज के बाद से शारदा विलास की शूटिंग खत्म होती है, और यहां से रोजी का पोर्शन भी खत्म हो चुका है। लो, डैनियल के कहने पर 3 दिन का पगार मैं ज्यादा दे रहा हूं, लो रख लो। रोजी ने बहुत ही अच्छा काम किया, हम सारे लोगों को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। जब शहर में मैं ये फिल्म दिखाऊंगा तो देखने के लिए जरूर आना। ये सब कपड़े तुमने फिल्म में पहने थे, अब से ये तुम्हारे हो गए। अब रोजी तुम घर जाओ, पिताजी और गुरुजी को सब बता देना। आकाशवाणी न्यूज पढ़ रहे हैं रामास्वामी जी। इस साल के नेशनल अवार्ड को अनाउंस कर दिया गया है। बेस्ट फिल्म और गोल्ड फिल्म का अवार्ड दिया गया है मलयालम फिल्म को, और राम जी को मिला है जेमिनी फिल्म का अवार्ड। और इस फिल्म में काम किया है सत्यम, मधु, मल्या और कई अन्य कलाकारों ने। बाबू भाई थे इस फिल्म में आर्ट डायरेक्टर के रूप में। रामू भाई ने सरकार को इस बात के लिए उनका धन्यवाद अदा किया है। भैया पहचाने क्या इनको? इन्होंने भी फिल्म बनाई थी।
आज का दिन मलयालम सिनेमा के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। पहली फिल्म बनाए थे तो बहुत नुकसान हुआ था, पूरा परिवार इनका बिखर गया था। ये सब कुछ बेच कर तमिलनाडु चले गए थे। जब यहाँ आते हैं तो मेरी दुकान में जरूर आते हैं। मेरे पिताजी इनके बारे में पुरानी कहानी बताते थे। कौन सी फिल्म इन्होंने बनाई है भाई? पता नहीं, बहुत पुराने जमाने की फिल्म है। उस जमाने में मूक फिल्म बनती थी। अच्छा, उनका नाम क्या है? पिताजी हरदम कहा करते थे कोई डैनियल सर है। जेसी डैनियल। क्या ढूंढ रहे सर? खाना खाने का टाइम हो गया, खाना लगा दूं क्या? तुम खा लो। ये मुझे याद है, शहर के कैपिटल सिनेमा हॉल में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शायद 3-4 शो ही ये फिल्म चली थी। मैं पहले दिन नहीं देख पाया, 2-3 दिन बाद चौथे दिन ही ये फिल्म देख पाया था। 1-2 रील चली होगी तो कुछ लोग सीट से उठ के चिल्लाने लगे और आपस में लड़ने लगे। झगड़ा कुछ ज्यादा हो गया था। लोग चप्पल पत्थर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। फिल्म का प्रोजेक्शन रोक दिया गया। प्रोजेक्शन रूम में डर के मारे ये डैनियल साहब खड़े रह गए थे, क्या करते। उसी दिन मैं आखिरी बार इनसे मिला था, उसके बाद इस शो को रोक दिया गया था। मलयालम सिनेमा की पहली फिल्म विगत कुमार, इसे बनाने वाला आदमी आज इस राज्य में क्यों नहीं रहता? हमने उनकी अनदेखी की, ये अच्छी बात नहीं है ना। ये कैसे मलयालम सिनेमा की पहली फिल्म है? TR सुंदर की बालन पहली फिल्म है ना सर? वो तो पहली आवाज वाली फिल्म थी, और सर उन्होंने जो बनाई थी वो पहली मूक फिल्म थी। आज से 28 साल पहले जेसी डैनियल ने ये मूक फिल्म बनाई थी। साइलेंट फिल्म को कैसे मलयालम फिल्म बोल सकते हो जब उसमें भाषा ही नहीं है? तो फिर चार्लिन चापली के सिनेमा को इंग्लिश सिनेमा क्यों बोलते हैं? वो भी तो मूक सिनेमा था। बालन फिल्म से पहले भी यहाँ फिल्में बनाई गई हैं। सीवी रामन की मार्तंडा तो सुंदर राजन ने सड़क पे किया था, वो भी खत्म हो गया। तुम शायद भूल गए हो क्या? सर शॉट रेडी है। मैं आता हूँ, चलो। इस फिल्म का नाम क्या है? जख्मी नगिन। ये जेसी डैनियल कहाँ रहते हैं आप जानते हैं क्या? नहीं, नहीं जानता। हाँ, रेडी रेडी, एक बार सामने देखो। ओके सर। जल्दी जल्दी चलो 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 आगे बढ़ो। जेसी डैनियल आप कहाँ रहते हैं बता सकते हैं क्या? कौन है ये जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी, याद होगा? नहीं, मैं नहीं जानता। एक मिनट रुकिए, ये जेसी डैनियल के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? हाँ हाँ, वो हमारे दांत के डॉक्टर थे। उन्होंने फिल्म बनाई थी या नहीं बनाई थी ये तो नहीं पता, पर इस गांव में आके 35 साल हो गए। डॉक्टर साहब यहीं बैठते थे सालों तक, वो दूर चले गए। ये देखो, उन्होंने ही मेरे सारे दांत निकाले थे। अभी उनका घर कहाँ है? अब यहाँ से सीधे चले जाइए, थोड़ा सा दूर जाने के बाद एक क्रिश्चियन कॉलोनी आएगी, वहाँ पे किसी से पूछ लीजिएगा। Thank you.
घर में कोई है? डैनियल सर, घर में कोई है क्या? कौन है? डैनियल सर, घर में कोई नहीं है क्या? ताला लगा हुआ है। शायद सो रहे होंगे। साहब, डैनियल साहब, आँख का ऑपरेशन हुआ है, शायद सो गए होंगे। डैनियल साहब, कौन है? साहब, मैं चंद्रकांत। यहाँ आपका दरवाजा बंद है, कोई शहर से आया है आपसे मिलने के लिए। कौन है पूछो? डैनियल सर हैं क्या? सर, मेरा नाम श्रीराम गोपाल कृष्णन है, मैं अभी आपसे मिलने शहर से आया हूँ। क्या चाहिए आपको? बस आपसे मिलना चाहता हूँ। आया, ऑपरेशन किया था, अभी लेटा हूँ। मेरी पत्नी मेरे लिए दवाई लाने के लिए नागरकोइल गई है। आंखों पर पट्टी बांधी है ना, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए वो दरवाज़ा बंद करके गई है। क्या बात है? कोई बात नहीं, बाहर रुकता हूँ। सब काम इनकी पत्नी करती है, उनको आते आते शाम हो जाएगी। आने दो, मिलूँगा। पहले डैनियल साहब कैसे थे, अब क्या हो गया है? ये साहब के बड़े भाई का घर है, उनका पूरा परिवार मद्रास में रहता है, इनको रहने के लिए घर का आधा हिस्सा दे के रखा है। और बच्चे? दो लड़के हैं और तीन लड़कियाँ, एक लड़का विदेश में, एक लड़का सेलम में, मदुरई, त्रिवेंद्रम, यहाँ पर तीनों लड़कियाँ चली गई। अब तो इनसे मिलने उन पांचों में से कोई नहीं आता है। छोटा बेटा सेलम से कभी कभी पैसा भेज देता है, बस उसी के पैसे से ये लोग अपना दिन काट रहे हैं। कौन है, बताया नहीं है आपने? पत्रकार हूँ सर, फिल्म वालों के जीवन पर लिखता हूँ। लेकिन मैं तो फिल्म वाला नहीं हूँ। अभी नहीं है तो क्या हुआ, पहले तो थे, मैं बस उसी के बारे में बातचीत करूंगा। मुझे कुछ भी याद नहीं है, ये सब पुरानी बातें थी, अभी मैं उन्हें याद भी नहीं करता, क्या फायदा। 1966 26 मई आज मैं जेसी डैनियल साहब से मिला था, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें मिलने के लिए पूरा दिन इंतजार करता रहा। वो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रह रहे थे, सारी दुनिया से अलग, एकदम एकांत में। ये वो महान इंसान हैं जिन्होंने मलयालम फिल्म को पहली बार सिलोलाइट पर उतारा था, हमारे जेसी डैनियल। डैनियल, डैनियल, सो गए क्या? तुम आ गई? कोई आदमी आपसे मिलने आया है, मैंने सुना बहुत देर से इंतजार कर रहा है। मैंने कहा ना, मैं मिलना नहीं चाहता किसी से, और ना ही किसी से मिलने की इच्छा है, और कोई मुझसे मिले क्या फायदा होगा। डैनियल सर ने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया, शायद वो पुराने दिन पुरानी बातें याद करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतने सालों से मुझे ढूंढता हुआ कोई नहीं आया, तो फिर अब क्यों? आप जैसा महान इंसान अभी भी जिंदा है, ये लोगों को पता होना चाहिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है जानने के लिए, जैसे डैनियल है ही कौन। जैनेट, साहब को चाय दे दो और जाने के लिए कह दो। आजकल ये सबसे नाराज रहते हैं, सबसे नफरत करते हैं, ठीक से बात तक नहीं करते। अभी आप जाइए, बाद में किसी दिन आइएगा। जब उन्होंने फिल्म बनाई थी तब आप भी साथ में रहती थी ना? आपको अगर कुछ याद है तो आप ही बता दीजिए। उस वक्त फिल्म कंप्लीट भी हुई थी, कैपिटल सिनेमा में चली भी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन उसके बाद वो बताने के लिए राजी हो गई। 1928 में फिल्म शुरू हुई और दो साल के बाद 1930 में अक्टूबर के महीने के 23 तारीख को त्रिवेंद्रम के कैपिटल सिनेमा में विगत कुमार प्रदर्शित हुई। पहले शो का उद्घाटन करने के लिए मल्लूर से वकील साहब और राजमहल से बहुत सारे लोगों को बुलाया है, और किसी को बुलाना पड़ेगा? अभी और प्रमोशन करना पड़ेगा, तब जाके भीड़ लगेगी। सही है, नोटिस प्रिंट तो करा दिया है, पन्नों पर लोगों को जाकर बता देगा। यहाँ लोकल में ही बोलने से नहीं चलेगा, गांव के अंदर जाकर बताओ।
तब जाकर भीड़ आएगी यहाँ पर। अब प्रमोशन करने के बारे में तुम मुझे सिखाओगे क्या? डैनियल भाई नोटिस प्रिंट करके लाया हूँ, मैं काम पे लग जाऊं क्या? हाँ। जेसी डैनियल निर्मित ट्रावेनकोर बैनर के ऊपर पहली फिल्म विगत कुमार द लॉस्ट चाइल्ड बहुत जल्द आपके नजदीकी सिनेमा घर में आ रही है, ठीक शाम को 6:30 बजे। कल इसका पहला प्रसारण होने जा रहा है। ये ट्रावेनकोर बैनर की पहली फिल्म है भाई, विगत कुमार द लॉस्ट चाइल्ड। आप सब परिवार आइए, आके देखिए और इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारी पहली फिल्म जेसी डैनियल द्वारा निर्मित, उन्होंने एक्टिंग भी की है और इसके आर्टिस्ट हैं जेसी डैनियल, मुलेक्कल जॉनसन और साथ में हमारे गांव की सुंदरी पीके रोजी। आप सभी आइए। हाँ रोसमा बेटी कैसी हो? तुमने सब सुना ना, कल ही फिल्म रिलीज है। हाँ। डैनियल सर ने तुम्हें बताने के लिए कहा है, शहर के कैपिटल सिनेमा में लगेगी, तुम आ जाना। अच्छा। शाम को 6:30 बजे शुरू हो जाएगी, देखो तुम उससे पहले ही आ जाना। हाँ। अपना नाम देखना है ना। हमारे गांव की हीरोइन रोजी विगत कुमार द लॉस्ट चाइल्ड में एक्टिंग की है। ये हमारी भाषा की पहली फिल्म है विगत कुमार द लॉस्ट चाइल्ड, आइए देखिए। डैनियल सर आप अंदर बैठिए, मैं संभाल लूंगा। मूर्ति भाई, अरे ये पकड़िए, मैं खुशी से दे रहा हूँ। इसकी क्या जरूरत है? विगत कुमार द लॉस्ट चाइल्ड, हमें आपका इंतजार है, आइए और हमें आशीर्वाद। नमस्ते मालिक। सिनेमा को देखने के लिए नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आइए, सब कुछ तैयार है, इनको अंदर बिठा दीजिए। सुंदर, जैनेट और बेटा कहाँ है? वो लोग अंदर ही है, आइए बैठिए। अब क्या साहब जी इन भिखारियों के साथ बैठ के पिक्चर देखेंगे? तू जानता नहीं है कौन है, छोटे बड़े का कोई सम्मान होता है कि नहीं होता है? तू इसको बोल चुपचाप उठे और आगे जाके कहीं बैठ जाए। बड़े आदमी है तो पिक्चर को पीछे से बैठ के देख सकते हैं, चलेगा क्या? हाँ ठीक है ठीक है। आज इतिहास लिखा जाएगा, आइए साथ दीजिए। आप आएंगे हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। नमस्ते। रोसमा तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? पिताजी को आने में देर हो गई इसीलिए। चलो अब जल्दी से अंदर जाओ। शुरू हो गई, बहुत देर हो गई, आइए ना। ये कहाँ जा रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम क्या चाहते हो, ऐसे नीच लोगों के साथ बैठ के फिल्म देखेंगे क्या? ए दूर जा। अरे लेकिन सिनेमा हॉल में तो ये सब देख सकते हैं ना। ए, सिनेमा हॉल हो या सर्कस का हॉल हो, नीची जात रहेगी और ऊंची जात रहेगी, नहीं समझते हो क्या? वकील साहब चलिए चलते हैं, ये हमारी बेइज्जती करना चाहता है। आप हमें बुलाकर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं? अरे अरे वकील साहब आप कहाँ जा रहे हैं, उद्घाटन तो आप करेंगे। उद्घाटन छोड़ो, ऊंच नीच का फर्क मैं भी समझता हूँ। हाँ सर मत जाइए ना सर, प्लीज सर रुक जाइए। आप हटिए। रोसमा तुम ये वाला शो मत देखो, इन्हें देखने दो। रोसी तुम दूसरा शो देख लो, क्योंकि ये सारे बहुत ही खास लोग हैं। सर आइए। ठीक। जाने दे, हम अगला वाला प्ले देख लेते हैं। इस तरह की फिल्म हमारी भाषा में पहली बार बनाई गई है। इस चलचित्र को देखने में हमें अत्यंत खुशी हो रही है, हमें अपने इस कीर्तिमान पर अभिमान है। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण जिस व्यक्ति ने किया है उसका नाम है श्री डैनियल जी, हम इनका अभिनंदन करते हैं। और इसके प्रदर्शन के उद्घाटन के लिए मुझे चुना गया है, इस बात का मैं आभारी हूँ। लगता है प्ले शुरू होने वाला है। प्रिय दर्शकों, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तब जाके ये बनी है। ये हमारी भाषा की पहली चलचित्र है, इसका स्वागत कीजिए।
ये महाभारत की कथा नहीं है, रामायण भी नहीं है, ये हम सब की कथा है। इस कथा के पात्र है जेसी डैनियल, मुल्लेकल जॉनसन, बाल कलाकार सुंदरन डैनियल, दामोदर पिल्ले और पीके रोजी। भूतनाथ बच्चे को किडनैप करके लेके गया, अब चंद्रकुमार क्या करेगा? अब बच्चा कोलंबो के किसी बगीचे में काम करने लगा। मूर्ति भाई, हाँ, कैसा है? फिल्म का हीरो सरोजनी के बगल में रहने के लिए आया। अब हमारे कथा की नायिका सरोजनी का यहाँ प्रवेश होता है। अब कथा के नायक जयचंद्र का प्रवेश होता है। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा नायक जयचंद्र अपना परिचय दे रहा है। धीरे धीरे जयचंद्र सरोजनी को पसंद करने लगता है। हाँ? रोको रोको, ये सिनेमा रोको। एक नीच जात की लड़की नायक का किरदार निभा रही है। ये चल क्या रहा है मूर्ति भाई? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नायर का अपमान है। अपमान है, हां अपमान है। नायर का अपमान है। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो, क्यों भाई रुकी? ए बंद कर इसे, बंद करो, बंद करो वकील साहब, चलो यहां से। अरे बात तो सुनिए, नहीं सुन रहा। अरे सुनिए, चलो क्या रखा है? अरे कुछ नहीं सुनना, समाज को जीने के लायक नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। चलो अपमान करते हैं। अरे सुनिए भाई, जो इसको काम दे दिया। अरे अब कहां जा रहे हैं? चलिए डैनियल की पहली फिल्म का पहला शो रोक दिया गया। मलयालम सिनेमा की पहली फिल्म जात पात की भेंट चढ़ गई। ऊंचे लोगों ने इसकी इज्जत नहीं की। मलयालम सिनेमा की पहली नायिका को वेश्या बताकर हॉल से भगा दिया गया। अपनी खुद की पहली फिल्म वो पर्दे पर कभी देख नहीं पाई। ऊंचे लोगों से अपनी जान बचाने के लिए वो उस रात पता नहीं कहाँ गांव छोड़ के चली गई। मलयालम सिनेमा की पहली नायिका बनते बनते रह गई रोजी। उस समय के ऊंचे वर्ण के लोग अपने जात के गुमान में रोजी के परिवार का शिकार करने निकले। रोजी को अपने परिवार से अलग कर दिया गया। क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। उस समय तो वो अपनी जान बचाकर भाग गई, पर रोजी उसी अंधेरे में खो गई। अब रोजी कहाँ है, ये एक रहस्य बनकर रह गया। मैं दोबारा जेसी डैनियल सर के गांव जा रहा था। अब इस बार जेसी डैनियल साहब मुझे खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी।
आइए, वो अंदर ही बैठे हैं। उस दिन आप आए थे, पता नहीं वैसा मैंने आपको क्यों बोला। क्या करे, पूरी दुनिया से नफरत सी हो गई है। हाँ, दिखाई तो दे रहा है लेकिन थोड़ा सा धुंधला। बैठिए ना। हाँ, आपने पत्रिका में जो बातें लिखी इसने मुझे पढ़ के सुनाई थी। उस जमाने के बारे में याद करके मुझे ढूंढ कर एक आदमी यहां तक आ रहा है, ये सोचकर मुझे खुशी हुई, इसलिए मैंने आपसे मिलना चाहा। सर, ये आपका बड़प्पन है। विगत कुमार के प्रदर्शन के समय कुछ गड़बड़ हुई थी, ये बात मुझे मैडम ने बताई, पर उसके आगे की कहानी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सर, आपने पिछली मासिक पत्रिका में लिखा था, मैंने पढ़ के इन्हें पूरा सुनाया भी था। वो आदमी सिनेमा में जाने से पहले पुलिस था, मुझसे दो बार मिला भी था, तभी उसने विगत कुमार के बारे में पूछा था। जब वो फिल्म बनी थी तब मैंने डैनियल से कहा था कि इस फिल्म को त्रिवेंद्रम जाके हमें जरूर देखना चाहिए, पर ये नहीं माने। आजकल तो बहुत सारे सिनेमा बनने लगे हैं ना। हाँ जी, सेमिन को 100 डेज हो गए हैं, अभी भी कई जगह चल रही है और अवार्ड भी मिलेंगे। उसमें जिस लड़की ने काम किया है मैंने उसके बारे में सुना। अब तो जमाना पूरा बदल गया है, अब चाहे नायर हो या क्रिश्चियन हो, सभी एक्टिंग पसंद करते हैं और करने के लिए भी आते हैं। उस समय के सिनेमा में आपकी नायिका थी रोजी, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? जाति धर्म के बारे में सोचने वाले लोगों ने उसे मार के भगा दिया। उस वक्त तो वो बेचारी खुद की एक्टिंग स्क्रीन पर देख भी नहीं पाई थी। ऊंची जात वाले लोगों से बचकर भागते समय रास्ते में एक लॉरी में बैठ गई। वो लॉरी नागर कोइल जा रही थी, तो लॉरी के ड्राइवर केशव पिल्ले ने उसकी रक्षा की थी, ऐसा मुझे सुनने में आया था। उसके बाद उससे उसने शादी की और अपना असली नाम बदल कर वो नागर कोइल में रहते हैं, ऐसा एक बार जॉनसन मुझे बता रहा था। ये बहुत साल पहले की बात है, अभी वो है या नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं है। विगत कुमार के आगे क्या हुआ कुछ पता है? डैनियल सर, आपने आगे फिल्में क्यों नहीं बनाई ये बताइए। जैनेट, इन्हें पीने के लिए कुछ? नहीं नहीं, ठीक है, हम जरा बाहर चलकर बात कर सकते हैं। उस दिन कैपिटल में सिनेमा रोक दिया गया, उसके बाद त्रिशुरा, पेरुमल और कट्टीकरण थिएटर में, और फिर आलपुड़ा और थेलचेरी में एक दो दिन चलाया गया था। लोगों की भीड़ वहां भी नहीं आई, वही जातिवाद और समस्याओं की वजह से। तिरुवनंतपुरम में भी उसी कारण से वो सिनेमा पेटी में ही बंद हो गया। समाज की समस्या और परिचय के लोगों से उधार लिए हुए पैसे ना चुका पाने की वजह से स्टूडियो और त्रिवेंद्रम के घर को ताला लगा कर यहां अगस्तीसरा में आके बस गया। काटे कटे ना कटते हैं दिन, काटे कटे ना रैन, खोए हुए हैं चैन, तेरा साथ जो संग मेरे है, चट जाएगा पतझड़, आएगा नया दौर। बहुत मुश्किल से मानकर
मैंने और जैनेट ने अगस्ती सराव में वो छोटे से घर में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। सो गए हैं दिल के अरमा, रूठे सपने जाता, जो तू ना होती मेरे पास जीना मुश्किल होता। ये पल जो है कट जाएंगे, नए जमाने फिर आएंगे। कब तक होगा यूं इम्तिहान, खेल समय का बीतेगा। मानेंगे ना हम भी हार, काटे काटे घर मेरे। भूलो जो खट्टी यादें थी, जीवन आगे बढ़ने का नाम, व्याकुल रातें जाएंगी भी। चल पड़े राह में, देखेंगे क्या होगा अंजाम। उसके बाद दंत वैद्य की पढ़ाई करने का मन किया। डेंटिस्ट की पढ़ाई के लिए मैं मद्रास गया था। वैसे मैं डेंटल सर्जन भी बना। मदुरई और पुडुकोट्टई में कुछ साल मैंने डेंटल क्लिनिक भी चलाया था। जिंदगी में वापस हरियाली आ गई। जैनेट को 2 बच्चे और हो गए, कुल मिलाकर 5 बच्चे और जैनेट। हम खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। जॉनसन, एक मिनट। हाँ डैनियल, अरे तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हारे बारे में सुना, बहुत दिनों से मिलने की सोच रहा था। तुम्हें कम से कम हमें तो बताना चाहिए था ना। मैं सब कुछ खत्म करके आ गया था। पुरानी यादें तो मैं कब का भुला चुका हूँ। कोई बात नहीं, डैनियल को खुश रहना चाहिए। कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, पापा की तरह डॉक्टर का नाम तो मिल गया, डॉक्टर जेसी डैनियल। आओ ना, आओ आओ बैठो। वो मरीज लोग। अरे कोई बात नहीं, और कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? नाटक तो उसी वक्त रोक दिया। हाँ। अब नारियल का धंधा है, वो अच्छा चल रहा है। सुंदर के बारे में तुमने सुना था कि नहीं, बोलो। ओ, वो आदमी सिनेमा बनाने के लिए गया है, ये मैंने सुना था। सच है, डैनियल सिनेमा छोड़ के गए तो पागलपन उसे चढ़ गया। वो सीवी रमन की नॉवल है ना, मारथंड वर्मा, उस पे उसने फिल्म बनाई। डैनियल की तरह परिवार की जायदाद बेच दी। मैंने सुना था इस फिल्म के लिए उसे राज परिवार से मदद भी मिली थी। मद्रास का डिस्ट्रीब्यूटर है पीवी राव, उसने इसे रिलीज किया। उसने राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिसिटी की और रिलीज के ही दिन बुक के पब्लिशर कमलाया बुक डिपोट ने उठकर सुंदर पर केस कर दिया। पूछा हमसे मंजूरी क्यों नहीं ली। मल्लूर का रमन है ना, वो उसका वकील था, उसने पिक्चर चलने नहीं दी। उसके बाद डैनियल से ज्यादा तकलीफ सुंदर ने उठाई। उधार और बदहाली से बेचारा अभी भी जूझ रहा है। कैसी हो जैनेट, बहुत दिन बाद मिली। हाँ अच्छी हूँ। मारी और बच्चे कैसे हैं? वो अच्छे हैं, सब गांव में हैं। बड़ा लड़का नहीं दिख रहा? हाँ, वो स्कूल गया है। सबसे छोटा ये है, हैरिसन। मैं कॉफी लेके आती हूँ। अब अपने यहाँ बोलने वाली फिल्में बनने लगी हैं। बालन है पहली फिल्म का नाम। कितनी दूर है? बस पहुंच गया साहब। अरे जल्दी कर यार। हाँ, नमस्कार सर।
नमस्ते 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 डॉक्टर साहब। भैया इन्हें पहचानते हैं? बड़े एक्टर है, पीके चिनप्पा। ओह, अच्छे से जानता हूँ। हाँ, कल रात को साहब यहाँ ड्रामा करने आए थे। ड्रामा खत्म होते ही दांत का दर्द शुरू हो गया, आप खुद देख लीजिए। जरा मुंह खोली, खोली। दो दांत सड़ गए हैं। अब क्या करना पड़ेगा? दोनों को निकालना पड़ेगा। ए भगवान, दोनों को निकालना पड़ेगा। नहीं निकालोगे तो और दर्द होगा। तो ठीक है, निकाल दो। ओ माँ, मुँह खोलिए, खोलिए ना, थूकिए। तो हो गया क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। हे भगवान, दांत का दर्द खत्म हो गया। नाटक और फिल्म का तो मैं बहुत बड़ा एक्टर हूं, मेरी फिल्म अभी रिलीज हुई, आपने देखी नहीं? दे इधर। आपने मेरी फिल्म देखी है कि नहीं? नहीं। अन्ना जी अन्ना चल रही है, उसमें मैं महाराज का रोल कर रहा हूँ। मेरे सामने 100 से ज्यादा लोग हैं, मैं उन सब से लड़ते लड़ते हर एक को वहां से भगा देता हूँ। उस फिल्म में मैं बहुत बलवान दिखाया गया हूँ, लेकिन दांत दर्द के सामने मैं कुछ भी नहीं। आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर। ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है साहब, मलयालम सिनेमा भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। मलयालम की पहली फिल्म बनाने वाले यही है। ऐसा क्या? हाँ, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? वो तो मेरी चाहत थी, तो बस मैंने पूरी की थी, लेकिन अभी मैं वो सब छोड़ चुका हूँ। क्यों, आपने चाहत क्यों छोड़ी? डॉक्टरी के साथ साथ आप फिल्म भी बना सकते हैं ना। रहने दीजिए, वो सब अभी ठीक नहीं होगा। क्यों, क्यों आपको ठीक नहीं लग रहा? दिल में सिनेमा बनाने की चाहत तो अभी भी है। वो क्या है कि अभी ऐसा कुछ है नहीं। आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, चाहत तो अभी भी है। है ना? मैंने पकड़ लिया। एक बार खून में सिनेमा घुस गया तो जितना चाहो वो निकल नहीं सकता, और ये बिल्कुल सच्चाई है। आप चेन्नई आइए, तमिल फिल्म बनाइए, मैं उस पे काम करूंगा। हाँ, पीयू चिन्नप्पा की तरह उस समय का बड़ा स्टार, उस आदमी की बातों में मैं आ गया। मन में सिनेमा की चाहत जो थी वो फिर से बाहर आ गई। जैनेट मुझे कितनी बार मना कर चुके थे, लेकिन मैं नहीं माना। कमाए हुए सारे पैसे लेकर मैं मद्रास चला गया चिन्नप्पा से मिलने के लिए, तमिल फिल्म बनाने के लिए। लेकिन मद्रास जाने के बाद चिन्नप्पा की हरकतें बदल गईं। वो और उसके चमचों ने मेरी जिंदगी नरक में बदल दी। समंदर के बीच में फंसे जहाज की तरह मेरी जिंदगी हो गई। सारा पैसा खत्म हो गया, मेरे पास खर्चे के भी पैसे नहीं थे। 2 साल तक मैं गांव में वापस नहीं आया था। जैनेट और बच्चों को पूरी तरह भूल गया। वो कैसे जिंदगी काट रहे होंगे इस पर भी ध्यान नहीं दिया। वो डैनियल डैनियल रहा ही नहीं, सिनेमा से नफरत हो गई। वापस अगस्तीश्वर आके यहाँ क्लिनिक शुरू किया तो जिंदगी में हरियाली नहीं आई। दांत निकालते वक्त हाथ कांपने लगे थे और बीमार भी पड़ गया था। फिर जैसी डैनियल ना तो डॉक्टर रहा और ना ही सिनेमा बनाने वाला। इस बीच बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी मुझ पर ध्यान देना छोड़ दिया था। सब अलग अलग दिशा में चले गए, सिर्फ यही रही पसंद, नफरत, दुख, और जिंदगी के हर मोड़ पर इसने मेरा साथ दिया। मैंने पत्रिका में पढ़ा था हॉलीवुड में साइलेंट फिल्म बनाने वाले मास्टर फिल्म मेकर की हालत, आखिरी वक्त में उनके पास पैसे नहीं बचे थे,
और भिखारियों की तरह वो हॉलीवुड की गलियों में घूम रहे थे। तो फिर ये जेसी डैनियल भी अगर दलिंदर बन गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं इसे समझाता था। मलयालम सिनेमा को जो जानते हैं उनकी नजर में बालन मलयालम की पहली फिल्म है, उनको आपका नहीं पता, विगत कुमार के बारे में नहीं जानते। मेरी तरफ से सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। बालन से पहले भी हमारे यहां सिनेमा बन चुका है। विगत कुमार की रील कहां है आप बताएंगे? किसी को भी फायदा ना हुए सिनेमा की भला क्या कीमत है, वो सब खत्म हो गया है। विगत कुमार की अब सिर्फ इतनी ही यादें बची हैं, ये मैं आपको दे रहा हूं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही लग रही है, उसने जरूर यह फिल्म बनाई होगी। विगत कुमार के बारे में मैंने भी सुना है, लेकिन सरकार की तरफ से घोषित पहली मलयालम फिल्म बालन ही है। बाकी किसी ने क्या फिल्म बनाई है बिना सबूत के हम तो नहीं मान सकते। आधी फिल्म बनाई कि पूरी फिल्म बनाई पता नहीं, अब आप ही बताइए हम कैसे भरोसा करें। सरकार के रिकॉर्ड में विगत कुमार का नाम भी जोड़ना चाहिए, यही मलयालम सिनेमा की पहली फिल्म है, ये सबको पता चलना चाहिए। आप चाहे तो सब कुछ हो जाएगा, एक बार आप मुख्यमंत्री से बात करें तो। दिमाग फिर गया आपका? आपके पास उस फिल्म की कोई प्रिंट है क्या? नहीं है ना। एक फोटो और न्यूज़पेपर कटिंग लेकर आ गया कि फिल्म बनाई है, कौन भरोसा करेगा? सर वो आदमी अभी भी जिंदा है। हाँ तो देखो, लूमियर ब्रदर्स ने जो फिल्म बनाई थी उसका प्रिंट कैमरा सब संभाल कर रखा हुआ, जिसे लोग अब भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। फाल्के की राजा हरिश्चंद अभी भी पुणे के ऑफिस में पड़ी है, वैसे इस आदमी का सबूत लाके दो, हम भी भरोसा कर लेंगे। सर आप यहाँ बैठ के कैसे गैर जिम्मेदार बात कर रहे हैं? कुछ भी हो सर, लेकिन उन्होंने मलयालम फिल्म बनाई है। मेरी बात छोड़ो, लेकिन तुम क्यों डैनियल के सपोर्ट में इतनी बात कर रहे हो? समझ गया सर, आप क्यों मना कर रहे हैं वो भी मैं समझ गया। टी आर सुंदरम ब्राह्मण है, उनकी ये फिल्म थी ना बालन, आप भी उन्हीं के रास्ते पर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। ये बताइए कि मेरा डैनियल कैसा है? ऐसी स्थिति है उनकी भी। रोइए मत। राजा की तरह जीते थे हम दोनों, सिनेमा ने हम दोनों को रोड पर ला दिया। पिताजी को जब कोई याद दिलाता है तो रोने लगते हैं। उनको फिल्म बनाने से तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो एक राशन की दुकान खोल ली। जब तक उनमें ताकत थी तो वो दुकान संभालते थे, अब वो दुकान मैं संभालता हूँ। सुना है कमलाया बुक डेपो के गोडाउन में आपकी फिल्म की पेटी है, ये जाके देखेगा, उसके बाद हम भी देखेंगे। वो जायदाद तो पिताजी की है ना, वहीं पे पड़ी होगी। बुक डिपो बंद करने के बाद पिताजी ने सारी पेटियां उठाकर शोरूम में रख दी। पिताजी जब तक थे सुंदर राजन के पास भेजा करते थे, कहते थे कि मद्रास में ही क्लीनिंग हो पाएगी। वो क्लीनिंग करके पिताजी से पैसे ले लिया करता था, अब तो इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। ये देखिए, पुणे में फिल्म ऑफिसर है पी के नायर,
ये सोमय उनसे बात की है। अगर आप परमिशन दोगे तो कुछ पैसे देकर वो ये फिल्म खरीद लेगा। यहाँ पड़े पड़े तो ये फिल्म पूरी तरह से खराब हो जाएगी। ये चरित्र सिनेमा है, समय के साथ साथ इसका कोई मोल नहीं होगा। प्रिंट अभी पुणे के आरके ऑफिस में है, एक दो रील छोड़ के बाकी की सारी फिल्म्स अच्छे कंडीशन में है। अच्छी बात है, मेरी तरह पागल होकर सुंदर राजन ने भी एक फिल्म बनाई थी, उसकी मेहनत को अभी कुछ कीमत मिली है, अच्छी बात है। विगत कुमार को भी मेरी नजर में इज्जत मिलनी चाहिए डैनियल सर। कोई बात नहीं, मुझे कोई नफरत नहीं है, किसी को गलत नहीं कह सकता मैं, गलती तो सारी मेरी ही है, संभाल के रखना है, हिफाजत से रखना है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। वायलर रामावरम है क्या? वो अंदर है, कुछ लिख रहे हैं, पर ऐसे नहीं मिल सकते। जानता हूं, आने से पहले बात हो गई। अच्छा। हाँ आ जाओ। वाह, एकदम सही टाइम पर आए हो। हाँ, किसी नई फिल्म के बारे में बात करनी है क्या? बताता हूँ, पर आप तो लिखने के मूड में हो। ओ, वो तो लिखता रहता हूँ। बात क्या है तुम वो बताओ, इतनी दूर से तुम मुझसे मिलने कैसे आ गए? कोई जरूरी काम जरूर अटका होगा। मैंने जेसी डैनियल के बारे में बात की थी। हाँ, उन्हें भुला दिया गया, मलयालम सिनेमा के जनक हैं वो। कलाकारों का दुर्भाग्य ही यही है कि समय उनके साथ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैं भी उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। आजकल उन्हें लकवा मार दिया है, उनके पत्नी ने एक लेटर लिखा है, देखिए उनकी पत्नी ने क्या लिखा है, खुद ही पढ़ लीजिए। डियर मिस्टर गोपाल कृष्णन, मैंने आपकी फिल्म पुस्तिका पढ़ी, पढ़ के अच्छा लगा। मेरे पति को दिखाई नहीं देता, मैंने उन्हें पढ़ के बताया कि क्या लिखा है। अब उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है, अब मुझे नहीं लगता कि वो फिर से कभी चल फिर पाएंगे। हमारी ज़िंदगी बहुत कष्ट से गुजर रही है, अब बस आप लोगों से ही आस है। मुझे विश्वास है कि मलयालम फिल्म जगत हमारी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा। तुम बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं उस दिन विगत कुमार के बारे में बात करने के लिए मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी मूर्ति से मिलने गया था, उन्होंने मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया। जब ऐसे पद का दुरुपयोग करेंगे तब क्या फ़ायदा होगा सर? उनको लग रहा है कि इसमें मेरा फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी छोटी सोच है। अगर वो चाहे तो जेसी डैनियल साहब की सहायता आराम से कर सकते हैं। आपका एक दोस्त है ना कल्चरल सेक्रेटरी, आप उनसे बात कीजिए ना, शायद उनसे बात करके कुछ फ़ायदा हो जाए। हाँ, आप तुम चिंता बिल्कुल मत करो, पहले वो मना करेगा लेकिन बाद में मैं उसे मना लूँगा, ये सब मेरा लुकआउट है। हाँ मैं वैलार बोल रहा हूँ, मुझे त्रिवेंद्रम में एक ट्रंक कॉल बुक करनी है, उसका नंबर है 2134। हाँ सेक्रेटरेट का है, पीपी कॉल, रामकृष्णन। सेतु की नई फिल्म का गाना है, बाप और बेटी पर। हो, देवराज वहाँ पेटी और ढोलक लेकर इंतजार कर रहा है, आज मद्रास निकलूंगा, तुम पढ़ो ना। अभी तक आपने कुछ बताया नहीं। रामापुरम की बात मैं मान जाऊंगा ये सोचकर मुझे समझाने आए हो क्या? तो मैं क्या करूं, आप मेरी बात मान नहीं रहे हैं। देखिए मैं आपकी बात समझ सकता हूं, ये सही है कि वो लकवे से ग्रस्त हैं और बिस्तर पर हैं, दुख है इस बात का, लेकिन किस क्लॉज पे केरल सरकार उन्हें पेंशन दे? वो यहां के भी तो नहीं है, वो तो तमिलनाडु में रहते हैं, क्या मैंने सही कहा ना अगस्ती सूरन में? आप तमिलनाडु सरकार से बात कीजिए। सर उस आदमी का जन्म यही हुआ था त्रिवंकोर में, कन्याकुमारी तक जमीन केरला में ही आती है ना, उसने अपनी पढ़ाई यहीं की, शादी यहीं की और फिल्में भी यहीं बनाई। आप जानते हैं सर कि उसने मलयालम भाषा में फिल्म बनाई, जब उन्होंने मलयालम भाषा में फिल्म बनाई तो तमिलनाडु सरकार उन्हें क्यों भाव देगी?
तो एक काम कीजिए, उस विगत कुमार के पिक्चर का एक प्रिंट लेकर आइए, फिर इस बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? वो नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। सुन लिया मैंने, मैं यहाँ से साइन करके भेजूंगा और सीएम ऑफिस से रिटर्न हो जाएगा। सर आप बिना काम के उनके नुक्स निकाल रहे हैं, आप मदद करना ही नहीं चाहते। ले निकल यहां से। वो आदमी मर जाएगा तब आपको उसकी कीमत पता चलेगी, ये तुम लोगों की आदत है, तुम कभी नहीं सुधर सकते। आपकी हालत बहुत खराब हो गई है, बच्चों में भी कोई नहीं आया है। चिंता मत करो, ऐसी बात नहीं कि वो प्यार नहीं करते, शायद वो टाइम ना निकाल पा रहे हो। जाने दो, वो हो ना हो, मैं तो आपके साथ हूं ना। तुम्हें देखना चाहिए जनेट, कैपिटल हॉल में स्क्रीन पर देखना चाहिए। विगत कुमारन तुम्हें देखना चाहिए जनेट, डैनियल, डैनियल। चाहूंगा कि भगवान ऐसा दिन किसी को दिखाए जैसी जिंदगी जैसी डैनियल सर ने देखी है। जब तक वो जिंदा थे, दुखी थे और सबका तिरस्कार झेलते रहे, ये उनकी दर्दनाक कहानी है। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी को कभी दुख नहीं दिया। आज उनकी मौत हो गई है और हम सब उनके लिए बैठे हैं। जब से केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हम सब ने की है, जेसी डैनियल सर को मलयालम सिनेमा का पिता मानती है और हमें उन पर गर्व है, और विगत कुमार को मलयालम सिनेमा का पहला सिनेमा, आज हम सब लोग मिलकर यह मान्य करते हैं। आज देश और विदेश में मलयालम फिल्मों को पुरस्कार हर कैटेगरी में मिल रहा है। आज हम साल में 100 से ज़्यादा फिल्में बनाते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में जो नहीं है, मलयालम सिनेमा के पिता माँ, उनकी कमी आज हमें खल रही है। आज हम उनकी बातें कर रहे हैं। आज जेसी डैनियल के बारे में प्रसिद्ध फोटोग्राफर श्री आर बालकृष्णन गोपालन ने डॉक्यूमेंट्री के रूप में कोई प्रदर्शनी बनाई है आप सभी के लिए। श्री गोपाल कृष्णन ने डॉक्यूमेंट्री के उद्घाटन के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति को हम सबके बीच आमंत्रित किया है, जेसी डैनियल के छोटे सुपुत्र श्री हरीश डैनियल। Thank you.
अब अपने पिताजी के बारे में हैरिस डैनियल हमें कुछ बताएंगे। पिताजी के नाम से आपने तालियां बजाई हैं तो क्या कहूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जेसी डैनियल का छोटा बेटा हूं मैं। पिताजी ने जब विगत कुमार बनाई थी तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मद्रास में फिल्म बनाने के लिए जाने से लेकर बर्बाद होकर अपनी डेंटल प्रैक्टिस भी छोड़कर एक कोने में दुखी अवस्था में पड़े जेसी डैनियल मुझे अभी भी याद हैं। उस समय क्या करना है ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे पिताजी का साथ देना था लेकिन उन्हें मैं समझ नहीं पाया। पिताजी ने जो फिल्म बनाई थी मैंने उसकी कीमत नहीं समझी। अगर वो फिल्म अभी होती तो दुनिया उसे गर्व से स्वीकार करती, लेकिन उनकी मौत के बाद उस फिल्म की कीमत क्या है ये दुनिया को और मुझे पता चला। पिताजी ने बड़े प्यार से वो फिल्म बनाई थी लेकिन बचपने की वजह से मैं उसकी कीमत जान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक सिनेमा का महत्व बस वही अच्छे से जानते थे, मैं नहीं जान पाया, अब इसलिए मुझसे गलती हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 6 साल की थी। उस फिल्म का टुकड़ा ना मिलने का कारण मेरे पिताजी नहीं बल्कि कारण तो मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। उस फिल्म की रील को जला दिया। उस वक्त 6 साल के लड़के से हुई वो गलती इतना बड़ा क्रूर रूप ले लेगी ये मैं नहीं जानता था। जिंदगी से और फिल्म से तंग आकर पिताजी उस दिन एक तमाशा देखने वाले की तरह देख रहे थे। बचपन में जो मैंने गलती की थी उसके लिए मैं अपने पिताजी से माफी मांगता हूं। वो मुझे माफ करेंगे कि नहीं पता नहीं, और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से भी मैं माफी मांगता हूं।